बच्चे परेशान हो गए, मॉक टेस्ट देते देते रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करना भूल गए शायद आप लोग। क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ ना कि ना इसमें ना मॉक टेस्ट में ना कोई भी अपना स्कोर मुझे भेज ही नहीं रहा बिल्कुल भी अब। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, क्या लगा आपको कि आप MCQ के जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे ये मॉक टेस्ट उसका आप स्कोर नहीं भेजेंगे तो मैं क्या बंद कर दूंगा उसको? जी हाँ बिल्कुल बंद करूंगा, चैलेंज नहीं कर रहा हूँ मैं आपको। ये वीडियो की सीरीज आज के बाद शायद आपको देखने को ना मिले, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप सभी ने अपना स्कोर मुझे सेंड करा, हौले हौले जैसे जैसे ये वैकेंसी डिले हो रही है वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास आपका पेशेंस डगमगा रहा है। जब भी आपका पेशेंस बनना स्टार्ट हो जाए तो मैं बीच में 15 डेज में एक वीडियो डाल के चेक कर लूँगा कि आपका पेशेंस अप हुआ या फिर अभी भी डाउन पड़ा हुआ है। अब तभी होगा शायद जब आपका नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का आएगा, राइट? तो क्या करें आप बताइए मुझको, कमेंट करिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपके स्कोर बहुत कम आने स्टार्ट हो चुके हैं। या तो आपने हिम्मत आप लोग हार चुके हैं या आपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि नहीं बस आग लगेगी तभी कुआं खोदेंगे, उससे पहले तो हम पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत इजी टास्क है। सरकारी जॉब तो आपकी जेब में रखी हुई है, जब मर्जी जेब में हाथ डाला कोई भी सरकारी जॉब को निकाला उस पे बैठ गए, सैलरी उठाई, जिए लाइफ को बिंदास। थिंक अबाउट इट, मेरी बातों पर विचार करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू आए तो बाबू तो बच्चों आपको सबको ना स्कोर भेजना पड़ेगा, अपना स्कोर ना पूरा ईमानदारी से भेजना पड़ेगा, इसको बराबर उठा लो अपना पेन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, ऐसे पढ़ाऊँ आपको मज़ा आएगा आपको बताओ। मतलब यार अभी से हार गए तुम लोग, तैयारी करते हो तुमको 1 साल से ऊपर हुआ नहीं, 6 महीने से हुए नहीं है, बस थोड़ा सा ये नोटिफिकेशन डिले आना स्टार्ट हो गया, आप एक्टिव स्टूडेंट से डीएक्टिवेट हो गए। भाई ऐसी बात नहीं बनेगी बिल्कुल भी, वरना फिर वक्त है, वक्त समझा देगा आपको। मेरा काम आपको चेतावनी देना था, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट नहीं, ये एक हम्बल वार्निंग थी मेरी ओर से आपके लिए। संभलने वाले संभल जाओ वरना ठोकरें बहुत पड़ी हैं, ठोकर के बाद भी संभलने का एक ऑप्शन होता है तो उसको अप्लाई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नौका दौड़, हॉकी, शतरंज, स्नूकर। फर्स्ट का राइट आंसर होगा आपका नौका दौड़। क्वेश्चन नंबर 2, भारत आईसीसी का सदस्य देश किस वर्ष बना? 1905, 1909, 1926, 1928। सेकंड का राइट आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3, BCCI की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920, 1926, 1928, 1932। तो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है आपका 1928। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? C.K. नायडू, जगमोहन डालमिया, कपिल देव या फिर R.E. ग्रांट गोविल। फोर राइट आंसर डी। इतने में आपको अपना आंसर लगा देना है, ठीक है? जिस सेकंड से मैं जिस स्पीड से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उसी स्पीड से आपको भी रीड करना है और अपना आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय कितना निर्धारित है? 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 70 मिनट। 5 राइट आंसर होगा इसका डी, 70 मिनट। आज के सभी क्वेश्चंस डेडिकेटेड हैं खेल को, स्पोर्ट्स को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, प्रथम वर्ल्ड कप फुटबॉल के विजेता देश है कौन? अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, फ्रांस। 6 राइट आंसर होगा इसका आपका बी, उरुग्वे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है? मोहन बगान, सुब्रतो क्लब या फिर जगमोहन क्लब या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 7 का राइट आंसर होगा आपका ए, मोहन बागन, मोहन बगान या फिर बागन कुछ भी कह सकता है आपसे, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा,
फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर ल्यूसाने? तो एट का राइट आंसर होगा आपका बी, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? रोनाल्डो, वाईचुंग भूटिया को, पेले को या फिर मारडोना को? 9 राइट आंसर सी, पेले को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी कौन है? देवधर ट्रॉफी, डूरंड कप, शिमला कप या फिर सुब्रतो कप? 10 का राइट आंसर है आपका डूरंड कप, मतलब बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? नौका दौड़, हॉकी, घुड़दौड़, स्नूकर? 11 राइट आंसर होगा इसका सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1965, 1962, 1961, 1955? 12 राइट आंसर सी, 1965। क्वेश्चन नंबर 13, एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? ब्रायन लारा, सर ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर या फिर शहीद अनवर? 13 का राइट आंसर है आपका सी, सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 14, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? कई बार एग्जाम में पूछा गया ये आपको पता भी होना चाहिए राइट आंसर्स का। अगर नहीं पता तो आपके स्पोर्ट्स में रुचि कम है, अगर रुचि कम है ना तो रुचि बनाना शुरू कर दो, क्योंकि स्पोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आपके ऑल ओवर एग्जाम के लिए। जो भी आपका एग्जाम होगा, कोई सा भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, स्पोर्ट्स से संबंधित एक ना क्वेश्चन पक्का बनेगा वहां पर। पहला ऑप्शन है टेनिस, शतरंज, स्नूकर, हॉकी। 14 राइट आंसर है इसका सी, स्नूकर। क्वेश्चन नंबर 15, शतरंज बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? 54, 64, 68, 72? तो इसमें जो खानों की संख्या होती है वो होती है स्क्वायर में। भाई एक एक खाना क्या बना होता है? स्क्वायर में बना होता है, मतलब वर्ग में बना होता है। तो 8 8 64, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का? बी। ऐसे आप याद कर सकते हैं, और एक्चुअली ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय सीमा कितनी निर्धारित होती है? 40 मिनट, 50 मिनट, 70 मिनट, 90 मिनट? 16 राइट आंसर डी, 90 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम विश्व कप T20 क्रिकेट मैच का आयोजन कहां पर किया गया? भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? 17 राइट आंसर सी, दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 18 है, एशेज टेस्ट श्रृंखला किन दो देशों के बीच में खेली गई थी? भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या फिर भारत और इंग्लैंड? 18 का राइट आंसर है आपका भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम आईपीएल टूर्नामेंट किस वर्ष खेला गया? 2004, 2006, 2008, 2010? 19 राइट आंसर सी, 2008। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी? 20 राइट आंसर डी, हॉकी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, 16 फीट हिट पद का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी? 21 राइट आंसर बी, हॉकी। तो क्वेश्चन नंबर 22, फॉर्मूला 1 में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सुभाकर, के नारायण, नारायण कार्तिकेयन या फिर संदीप पांड्या? 22 राइट आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 23, साल्ट लेक स्टेडियम कहां पर स्थित है? मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली, चेन्नई? 23 राइट आंसर बी, कलकत्ता। देखिए एवरेज यही मेंटेन करके चलना, क्वेश्चंस को पढ़ने की, आंसर देने की। ज़्यादा टाइम अगर आप गवाओगे तो एग्ज़ाम में बहुत कुछ छूटने वाला है आपका, या तो मैथ या तो रीजनिंग। तो
तो अभी से तैयारी कर लो क्वेश्चंस को स्पीड में पढ़ने की समझते हुए। क्वेश्चन नंबर 24 है, अर्जुन पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। 24 राइट आंसर बी 5 लाख। 25 नंबर है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया? सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, कर्णम मलेश्वरी, विश्वनाथन आनंद। 25 राइट आंसर डी विश्वनाथन आनंद। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, पटियाला, चंडीगढ़। बात कर रहा है भारत में राष्ट्रीय खेल संस्थान, थोड़ा ध्यान से विचार करना है इस क्वेश्चन पर। 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा पटियाला। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? मॉरिन कॉलोनी, सानिया मिर्जा, दीपशिखा या फिर पंकज आडवाणी। 27 राइट आंसर होगा इसका ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पीटी उषा का शायद आपके एकेडमिक 6th या 7th क्लास में एक चैप्टर भी होगा इसके बारे में। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग क्यों ना करते हो, इनका एक चैप्टर था जिसमें पीटी उषा का एक छोटी सी बायोग्राफी भी है, हिंदी के चैप्टर भी होगा, आप देखना तो शायद आपको याद आएगा इनका पूरा नाम उसमें लिखा हुआ है। 28 का जो राइट आंसर है, चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ए या बी में से कोई एक है, आप बताइए। चलिए मत बताइए, राइट आंसर है ए, 28 का ए। बताना एग्जाम के बाद, ठीक है, जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद। 29 नंबर है, नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? पटियाला, चंडीगढ़, गुड़गांव, कलकत्ता। 29 राइट आंसर होगा इसका सी, गुड़गांव। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट किस देश में खेला गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड। 30 राइट आंसर होगा इसका आपका डी, इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है 31, प्रथम महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट विजेता देश है कौन? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड। 31 राइट आंसर डी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन थी? मिताली राज, अंजाली राजगोपाल, शोभा डे या फिर लेडी स्टीफन। 32 राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 33, कटिंग एज किसकी आत्मकथा है? कपिल देव की, रवि शास्त्री की, शोएब अख्तर या फिर जावेद मियां दाद। तो इसका राइट आंसर आपका डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, मैराथन दौड़ की दूरी कितने मील की होती है? याद आ गया होगा आपको अगर आपने लूसेंट पढ़ी होगी तो, लूसेंट में ये क्वेश्चन था, ए बी सी डी बताइए। 34 का राइट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, चीन। 35 राइट आंसर बी, इंग्लैंड। चाइना कप किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। 36 राइट आंसर ए, जिम्नास्टिक। क्वेश्चन नंबर 37, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, कबड्डी। 37 राइट आंसर होगा इसका सी, टेनिस। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945, 1951, 1965, 1975। 38 राइट आंसर बी, 1951। अगला क्वेश्चन है 39, राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार 1987 में कहां पर आयोजित की गई थी? नागपुर, नई दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता। 39 राइट आंसर डी, कलकत्ता। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, इंग्लैंड स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? रग्बी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी।
40 राइट आंसर ए रग्बी। तो रग्बी से संबंधित है ये स्टेडियम, का नाम है इंग्लैंड में स्थित है और इसका नाम है ब्लैकहिथ स्टेडियम। 41 रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी, 1930, 1973, 1983 या फिर 1934। 41 का राइट आंसर है आपका डी 1934। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, गीत सिटी का संबंध किस खेल से है, टेनिस, शतरंज, बिलियर्ड्स, हॉकी। 42 राइट आंसर सी बिलियर्ड्स। चलिए जी अब करते हैं थोड़ी सी मुद्दे की बात। ये हैं आपके कमेंट जो भी हाल फिलहाल आए थे, 4 तारीख को मैंने रिकॉर्डिंग करी है, आज 4 तारीख है, बट आपको मिलेगा ये वीडियो थोड़ा सा डिले, और इसके बाद में थोड़ा क्या बहुत डिले मिलेगा आपको वीडियो, पार्ट 22 के बाद में शायद मैं कोई पार्ट ना बनाऊं, क्योंकि जब कोई सुनने वाला नहीं है तो फिर बोलने से क्या फ़ायदा, क्यों खुद को दगाना है ना भाई, अपने गले को आराम देना है। आपको पता है कि मुझे मैक्सिमम टाइम थोड़ी सी गले की तकलीफ भी है मुझको, तब भी आप लोगों के लिए वीडियो बन रहा है, बट आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मेरे लिए बढ़िया है कि आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। इस वीडियो पर कम से कम एक बुक को मैं साइड रखता हूँ, अब पैक करके खोलेंगे इस बुक को एग्ज़ाम से केवल 7 दिन पहले, शायद ना भी खोलूं फिर मैं, राइट, क्योंकि फिर भाई मुसीबत में मैं आपकी हेल्प करूं तो फायदा क्या है, बहुत चैनल बन जाएंगे उस टाइम पे, तक बहुत आपकी हेल्प करेंगे, आप उनको फॉलो करिएगा, अभी मत पढ़िए प्लीज़, क्योंकि पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो भी आया नहीं है, पढ़ लेंगे आराम से यार, सरकारी जॉब तो बहुत ईजी टास्क है। देखिए स्टाइलिश इनका कमेंट था बस केवल एक, दोबारा से इन्होंने ऑसम लिखा। अब देख लीजिए डेली के एक वीडियो में एमसीक्यू फॉर्मेट अपलोड हो रहा है बट नो रिस्पॉन्स, देख लीजिए आप, हौले हौले ऐसा हो गया कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है इसमें। अपलोड तो हुआ लेकिन यहाँ पे शो तभी होगा इन सब लिस्ट में जब आपके कमेंट करेंगे, तो अब क्या समझूँ मैं, जरा बताइए मुझको एक बार। एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी, कहीं नहीं, मूवी है दशरथ मांझी माउंटेन मैन, उसमें लिखा है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, तो इसलिए भगवान के लिए ये छोटे मोटे काम मत छोड़ो कि सिलेक्शन भगवान दिलवाएगा, ये होगा वो होगा, सिलेक्शन होगा कर्मों से, अगर कर्म फेयर होंगे आपके, कर्म काफी 100% पूरी ईमानदारी से होंगे तो ही सिलेक्शन होगा, वरना ना तो तुम्हारा सोमवार काम आने वाला है ना कोई और वार, समझ रहे हो। तो भगवान भी उसी की सहायता करता है जो इंसान अपनी खुद की मदद करना चाहता है। आप तो छोटी सी जंग में हार गए यार, अभी से कब होगा एग्जाम, आना था नवंबर एंड में, दिसंबर चला गया, नया साल आ गया, पता नहीं कब आएगा, आएगा या फिर नहीं आएगा। यार उनको देखो ना जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल तो सिलेबस पूरा करने में लगता है उनको, फिर जाके 2.5 साल 3 साल बाद तो सिलेक्शन होता है, सोचो। चलिए आपके सामने ज़्यादा एग्जाम्पल गिनवाने से फायदा नहीं है, अननेसेसरी वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, आपका नेट खर्च होगा, और आपने ढेर सारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, हर एक के वीडियो वॉच भी करने हैं आपको। चलिए लेता हूँ आपसे अलविदा, ये वीडियो यहीं पे क्लोज, इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनेगा, अब बनेगा नोटिफिकेशन आने के बाद में, हो गई बल्ले बल्ले आपकी तो, वेरी गुड, ना पढ़ने वाले को बहाना चाहिए, एक बहाना मैंने आपको दे दिया वीडियो ना बना करके, बुक को यहीं स्टॉप करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स मेरा काम आसान करने के लिए, इस बुक को साइड रखने के लिए। आगे बुक का वीडियो बनेगा या फिर नहीं बनेगा, श्योरिटी 99% इस चीज़ के कि वीडियो नहीं बनेगा, 1% आपके ऊपर, कि आपका 1% अगर 99% पर भारी पड़ गया तो वीडियो बनेगा, वरना फिर जय माता दी, और साथ में ये सुनो गाने आराम से, ठीक है, मस्ती से लाइफ को जियो, एंजॉय करो, जब आंखें खुले तब पढ़ो, आंखें ना भी खुले तो खेती बाड़ी है ना। जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, जो भी आप काम करें उन सभी काम के लिए, क्योंकि खेती बाड़ी काम भी कोई बुरा काम नहीं है, समझ लेना किस्मत में जॉब नहीं थी, बस ये बहाना बहुत अच्छा है लाइफ के लिए।